guys, welcome back to my channel Anu Singh. So guys, how are you? And I hope you are doing well. So after a very 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 long time मैं आपके साथ share करूंगी एक clothing haul. तो काफी time से मैंने कोई video share नहीं किया, कोई भी आपके साथ कोई clothing haul share नहीं किया था. तो आज मैं finally video लेके आई हूँ. तो recently मैं Bandra Hill Road market गई थी अपने friends के साथ. अगर आपको नहीं पता कि Bandra Hill Road market क्या है, वैसे तो सबको पता है Bandra Hill Road market कहाँ पे है, किस type की market है, but still मैं आपको बता दू, फिर भी मैं आपको बताती हूँ. Bandra Hill Road market is like सरोजनी नगर, जैसे दिल्ली में सरोजनी नगर ना, वैसे ही Bandra Hill Road market है. मतलब वहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ ड्रेस, मतलब आपको वहाँ पे बहुत अमेजिंग अमेजिंग ड्रेसेस मिल जाएंगे, टी शर्ट्स मिल जाएंगे, टॉप्स मिल जाएंगे, डेनिम्स मिल जाएंगे, और मतलब बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग सी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं. एक्सेसरीज में अगर आप देखें तो आपको ज्वेलरी वहाँ पे मिल जाएगी, बैग्स वहाँ पे मिल जाएंगे, फुटवेयर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं. एनीवे, स्टार्ट करते हैं अपने शॉपिंग हॉल के साथ. तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी डॉटर के कपड़ों के साथ. तो उसके लिए मैंने जो जो परचेज किया है वहाँ से, मैंने वैसे ज़्यादा नहीं परचेज किया है एक्चुअली, वो मेरे साथ नहीं रही थी तो थोड़ा सा साइज का मेरे को इशू रहता है. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई परचेज इज दिस टी शर्ट. ये एक टी शर्ट टॉप है जिसके अंदर सीक्वेंस वर्क है, इसके आगे इस तरह का सीक्वेंस वर्क है, बहुत ही प्रीटी है. सो दिस इज द फर्स्ट टी शर्ट टॉप जो मैंने करण के लिए परचेज किया, और ये बहुत ही अमेजिंग है, परफेक्ट है उसका साइज. उसने पहन के भी देखा, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था. एंड दिस कॉस्ट मी फॉर ₹200. 200 रुपए में ये मुझे टी शर्ट मिल गई, जहाँ जो मुझे कभी भी कहीं नहीं मिलती है. जो मैंने अपने डॉटर के लिए वहाँ से परचेज किया है इज दिस, इट्स काइंड ऑफ पेपलम टॉप, पेपलम क्रॉप टॉप है ये. ये भी बहुत ही है, इसके पीछे ये एडजस्टेबल है, लाइक ये इस तरह का इलास्टिक था इसके पीछे, तो एडजस्टेबल था. तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा अगर ये टाइट भी हुआ या कुछ भी हुआ तो ये एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने बिना टेंशन के ये वाला उसके लिए परचेज कर लिया. बहुत ही अच्छा है. सो दिस कॉस्ट मी ₹400, ये ₹300 में मुझे कॉस्ट किया. अगेन नॉट अ बैड डील, बहुत ही अमेजिंग है. और प्योर कॉटन, जैसे चिकनकारी होता है ना उस तरह का ये फैब्रिक है, चिकन फैब्रिक है, और बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही समर्स में इस टाइप के कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं. कॉटन ही मैं पहनना पसंद करती हूँ, थोड़ा सा लूज और थोड़ा सा कॉटन, मतलब ये मुझे पसंद है. तो मैंने अपने डॉटर के लिए परचेज किया. अगेन दिस इज अ टॉप, और ये अगेन बैगी स्टाइल, थोड़ा सा पेपलम काइंड ऑफ टॉप है ये, और बहुत ही अच्छा लगा है मुझे. कलर बहुत अच्छा लगा, व्हाइट जो ना समर्स में बहुत ही अमेजिंग लगता है. और अगेन आप किसी भी डेनिम्स के साथ, शॉर्ट्स के साथ पहन सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा था. पहले मुझे साइज में थोड़ा सा डाउट हो रहा था, बट वही चीज है, ये जो है ना एडजस्टेबल था, तो इसलिए मैंने परचेज कर लिया कि हो जाएगा इजिली. सो यस, और ये भी मुझे कॉस्ट किया है ₹200 में. मैं आपको साथ साथ प्राइस बता रही हूँ बिकॉज ये खुद से लिया है, थोड़ी बार्गेनिंग की है, तो प्राइसेस टिप्स पे ऐसे याद है. सो ये मुझे ₹200 कॉस्ट किया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है. सो नेक्स्ट जो मैंने करण के लिए परचेज किया है वो है ये एक बैग, बहुत ही प्यारा ये छोटू सा स्लिंग बैग है ये. वैसे तो ये बड़ों के लिए, बट ना मेरी डॉटर को बहुत ज्यादा शौक है बैग्स का. छोटू सा क्यूट सा ये स्लिंग बैग लिया है, जो कि लाइट बेज या कह रहे लाइट पिंक कलर में है. और ये भी मुझे कॉस्ट किया है कुछ ₹150 में. उसने ₹200 मुझे कोट किया था, बट मैंने उसको थोड़ा सा बार्गेनिंग करके ₹150 में मुझे ये बैग मिल गया, जो कि बहुत ही अमेजिंग डील थी. तो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाती हूँ एक्सेसरीज में, मैंने अपने लिए वहां से क्या लिया है. सो मैंने वहां से कुछ एयरिंग लिए हैं. सो द फर्स्ट एयरिंग ये वाले मैंने लिए हैं वहाँ से, और ये बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे, बहुत ही प्यारे. इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही एलिगेंट सा लगा, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ गॉडी नहीं है, बहुत ही सिंपल से और बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये. और ये मुझे कॉस्ट किए हैं ₹100 में. एंड नेक्स्ट जो दूसरे वाले मैंने लिए हैं वो इस टाइप के लिए हैं, तो ये सिल्वर में है, ये गोल्डन में है, तो दोनों मुझे ₹100 कॉस्ट किया है, ₹100 ईच. बहुत ही अच्छा, ₹100 में कहीं भी ऐसे इयरिंग्स नहीं मिलते हैं. आप अमेजोन भी चेक कर लोगे तो वहाँ पे भी आपको 200, 295, 180 ऐसे मिलते हैं, बट ये मुझे ₹100 में मिल गए. अगेन इट्स अ वेरी गुड डील. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अ हॉल, और मैं आपको दिखाऊंगी अब मैंने अपने लिए वहाँ से क्या क्या परचेज किया है. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव परचेज इज दिस अ टी शर्ट, जो मैंने पहनी हुई है, मैं इससे पहले बता दूँ. और ये टी शर्ट मैंने स्टार्टिंग में जो मैं मार्केट एंटर किए थे वहीं से मैंने परचेज कर ली थी. बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही कम्फी है. इट्स अ नियॉन कलर, बहुत ही येलोइश, एग्जैक्ट नियॉन नहीं है, इट्स अ येलोइश नियॉन कलर, जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा था. समर के लिए थोड़ा ब्राइट है, बट हाँ आप रात को पहन सकते हो, इवनिंग टाइम पे पहन सकते हो. दिस कॉस्ट मी फॉर ₹200, ये ₹200 का टी शर्ट है ये, और बहुत ही अमेजिंग है मुझे देखने में. पहन के बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है, और बिल्कुल भी नहीं ऐसा लग रहा कि ये ₹200 वाली चीज़ है.
सो नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से परचेज की है अगेन एक टी शर्ट जो कि बॉयफ्रेंड फिट बोलते हैं जिसको थोड़ा सा लूज होता है, मतलब ये मुझे ना फैब्रिक बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक है और ये कलर भी काफी ज्यादा समर एप्रोप्रिएट कलर है, तो मुझे काफी ज्यादा इस टाइप के कलर्स मुझे बहुत ही पसंद है। कॉस्ट मी फॉर रुपीज 100 या 150 में ये मुझे टी शर्ट मिला, मतलब ये वाला तो 200 मिल गया, ये मुझे 150 में मिल गया, बहुत ही अमेजिंग था। नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से परचेज किए हैं सारी ड्रेसेस किए हैं, तो आगे जितने भी प्रोडक्ट दिखाऊंगी सारी ड्रेसेस होंगी मेरी। सो यस दिस इज द ड्रेस, एकदम प्योर कॉटन फैब्रिक है ये, डार्क नेवी ब्लू इसका कलर है, बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही कंफर्टेबल है, नी लेंथ ड्रेस है। यहाँ पे इसके आपको इलास्टिक मिल जाएगा, दैट मीन्स अगर आपको थोड़ा सा ये टाइट हो रहा है तो यहाँ पे ये अपने आप आपको एडजस्ट कर लेगा और फिट हो जाएगा आपके यहाँ पे बस के नीचे वाले एरिया में। दिस कॉस्ट मी फॉर रुपीज 200 रुपीज की ये ड्रेस थी और बहुत ही ओवरऑल बात करूँ तो इस ड्रेस की फिटिंग बहुत अच्छी है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आ रहा है, पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही थी। सो नेक्स्ट जो मैंने वहां से परचेज किया, आई थिंक इसका आपने फोटो भी देख चुके होंगे मैंने, क्योंकि ये ड्रेस ट्राई करके इंस्टाग्राम पे भी डाल चुकी है अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो। सो ये ड्रेस मैंने अगेन बैंड्रा से ही ली है, मतलब तो ये भी प्योर कॉटन में, इसका फैब्रिक अगर आप देखोगे ना प्योर कॉटन है, लाइट ग्रीन कलर है ये, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा है। इस तरह से इधर अम्ब्रेला कट, इसका मतलब अम्ब्रेला स्लीव्स हैं ये, और बहुत ही अच्छा है। मुझे थोड़ा सा फिटिंग का अगेन डाउट था बट ये फिटिंग बहुत ही अच्छी आई, और इसका जो प्राइस है वो है 500 रुपीज, ये मुझे उन्होंने कॉस्ट किया था 650 रुपीज में, बट थोड़ा सा वही बार्गेनिंग करने के बाद ये मुझे मिल गई 500 रुपीज में। सो नेक्स्ट जो मैंने वहां से परचेज किया, अगेन एक ड्रेस तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो दिस इज द ड्रेस, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी जब मैंने इसको देखा, मैंने देखते ही इसको परचेज कर लिया। सो ये भी अगेन कॉटन फैब्रिक में है और नी लेंथ तक, नीज तक आती है, बहुत ही कंफर्टेबल है, थोड़ी सी फ्लेरी है बट ये बहुत ही कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ ऐसा फ्लेरी पहना है, थोड़ा सा आपको बबली लुक देगी बट ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसके अंदर जो लाइनिंग है ना वो भी कॉटन की लगी हुई है, बहुत ही अमेजिंग है। और इसका जो प्राइस है अगेन 500 रुपीज, 650 उन्होंने कोट किया था और 500 रुपीज में मिल जाए, तो जितनी भी वहाँ पे आपको ड्रेसेस मिल जाएंगी ना वो 500 रुपीज से लेके 700, मतलब अगर आपको वो 600 650 700 बोल रहे हैं तो 500 तक दे देंगे आपको, और अगर आपको वो 900 1000 रुपए कोट कर रहे हैं तो 600 700 तक आपको वो बार्गिन करके इतना दे देते हैं। तो नेक्स्ट जो मैंने ड्रेस वहां से परचेज किया थोड़ा सा बड़ा आ गया, वो पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे शॉप वाले ने बोला कि नहीं मैम आप ये वाला साइज ले जाओ। एक्चुअली क्या है ना जो ड्रेसेज है ना वहाँ पे जो प्लस साइज ड्रेसेज होते हैं उसमें मुझे साइज छोटा आता है, और नॉर्मल ड्रेसेज में आप डबल एक्सेल लेती हूँ या एक्सेल लेती हूँ, बट ये ना प्लस साइज था तो इसमें मुझे ये ड्रेस उन्होंने बहुत ही बड़ी दे दी। एक्चुअली इसमें मुझे लार्ज या फिर मीडियम आता, प्लस साइज था ये ना, तो उन्होंने मुझे एक्सेल दे दिया। ये बहुत ही लूज ड्रेस है, ये बहुत ही लूज है, आप यहाँ से देख सकते हो बहुत ही ज्यादा लूज है, बट ओवरऑल अगेन कॉटन फैब्रिक है, ये पूरा कॉटन फैब्रिक है, नीचे इसका थोड़ा थोड़ा ये चिकन वर्क भी है और लास्ट आप देखोगे नीचे चिकन कट वर्क है। सो ये मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही थी, और इस टाइप की डार्क कलर की ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती है बिकॉज थोड़ा सा स्लिम लुक देती है आपको, और देखने में भी काफी अच्छा लग रहा था। स्ट्रिप्स इसके एडजस्टेबल मिल गए हैं आपको, ये मुझे कॉस्ट किया 500 रुपीज में, 650 कोट किया था और 500 रुपीज में मुझे मिल गया, बहुत ही अच्छी खासी डील रही मेरी ओवरऑल जितनी भी ड्रेसेस मैंने वहां से परचेज की है। सो नेक्स्ट वहां से मैंने ली है शॉर्ट्स, एक डेनिम शॉर्ट्स भी मैंने वहां से परचेज की थी, तो ये इस टाइप की डेनिम शॉर्ट्स है, और मैंने पहले भी एक डेनिम शॉर्ट्स वहां से ली हुई है जो कि बहुत ही अभी तक मैं उसको पहनती हूँ। वो जो थी मेरी एडजस्टेबल थी, ये मतलब स्ट्रेचेबल नहीं है, वो स्ट्रेचेबल थी तो इसलिए ये साइज थोड़ा बड़ा लिया है, और ये काफी अच्छा लग रहा है इसका। मुझे ये जो ऊपर का ये वाला पैटर्न ना ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, पहनने के बाद भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। सो यस ये शॉर्ट्स मुझे कॉस्ट ये है 200 रुपीज में, जो कि नॉट बैड, बहुत ही अच्छी, ये 200 रुपए में कहाँ डेनिम शॉर्ट्स मिलती हैं, मतलब कहीं से भी नहीं मिलती है गाइस, सेल भी लगी हो 50% 60% तक तभी आपको नहीं मिलेगा। सो यस गाइस ये थी मेरी शॉपिंग जो कि मैंने बैंड्रा से की थी, बैंड्रा हिलरो मार्केट से। तो मैंने बहुत ज्यादा वहाँ पे व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि तो बहुत ज्यादा गर्मी थी प्लस बहुत ज्यादा क्राउड था, आप व्लॉग भी कर रहे हो आप शॉपिंग भी कर रहे हो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और बैंड्रा में जाते रहती है तो मैंने सोचा चलो कभी वीकडे में आके मैं प्रॉपर मार्केट का व्लॉग करूंगी। सो यस ये था मेरा आज का शॉपिंग हॉल जो कि मैंने रिसेंटली परचेज किया था, और मुझे बहुत ज्यादा शॉपिंग की नीड थी, मतलब इस टाइप की जो शॉपिंग होती ना मैं बहुत टाइम से करना चाह रही थी बिकॉज मैं दिल्ली में जब थी ना मैं सरोजनी नगर बहुत जाती थी, बट यहाँ आके मैं सरोजनी नगर बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। यस ये था मेरा आज का शॉपिंग हॉल, आई रियली होप आपने मेरा जो शॉपिंग हॉल है एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा आज का हॉल अच्छा लगा देन प्लीज उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, मिलती हूँ अपने और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियोस के साथ, चिल्ड्रन बाय, ठीक है, बाय बाय।